स्वागत है हमारे चैनल आर जे ऑटोमोबाइल में, यूट्यूब का एक चैनल जिसमें ऑटोमोबाइल के सारे पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया जाता है। गाइस, आज हम कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली हमने ऑलरेडी थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में डिस्कस कर लिया है, बट हमारे कुछ व्यूअर्स टू वे कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं टू वे कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में। गाइस, एक्चुअली ये टू वे कैटालिटिक कन्वर्टर थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर जितना एफिशिएंट नहीं है, बट क्यों, इसको जानने के लिए हमारे आज के वीडियो को आखिरी सेकंड तक जरूर देखें। कैटालिटिक कन्वर्टर, दोस्तों कैटालिटिक कन्वर्टर दो टाइप का होता है, टू वे कैटालिटिक कन्वर्टर और थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर। हमने थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो आज हम टू वे कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, यह कैटालिटिक कन्वर्टर बेसिकली हजार्डस गैसेस को लेस हजार्डस गैसेस में कन्वर्ट करने के काम आता है, मतलब यह गाड़ियों की एग्जॉस्ट सिस्टम में लगा हुआ होता है। दोस्तों, एग्जॉस्ट सिस्टम में आप कैटालिटिक कन्वर्टर को इंजन मैनिफोल्ड, मतलब इंजन एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के बाद आप इसे देख सकते हैं, और उसके बाद ये रेजोनेटर लगा होता है, उसके बाद मफलर और फिर टेल पाइप लगा होता है, जहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस एनवायरनमेंट में रिलीज कर दी जाती हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर में बेसिकली एक ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट होता है, जो कि प्लेटिनम और पैलेडियम से बना हुआ होता है, और इसमें इनलेट और आउटलेट के लिए भी जगह बनी हुई होती है। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब भी एग्जॉस्ट गैस इसमें एंटर करता है, गाइस एग्जॉस्ट गैस में बहुत सारे हजार्डस गैसेस होते हैं, जैसे कि नॉक्स, हाइड्रोकार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जैसे ये एग्जॉस्ट गैसेस यहाँ से एंटर करते हैं और इस ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट से पास होते हैं, तो ये लेस हजार्डस गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक्चुअली नॉक्स इससे कन्वर्ट नहीं हो पाता, तो नॉक्स एज इट इज बाहर निकल जाता है, हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्ट होकर H2O और CO2 बनाते हैं, और जो कि लेस हजार्डस गैसेस होते हैं। एक्चुअली गाइस, यहाँ पे होता क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं, और हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बना लेते हैं। यह प्रोसेस ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, इसलिए इसे समटाइम्स ऑक्सीकैट भी कहा जाता है। गाइस, इससे नॉक्स को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। नॉक्स के कन्वर्जन के लिए हम थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर का यूज़ करते हैं। थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उसके थ्रू जाकर थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में और भी जान सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि वहाँ पे एक और सिरेमिक ब्लॉक हो जाता है यहाँ पे, जो कि प्लेटिनम और रोडियम का बना होता है, जिससे नॉक्स कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो ज़्यादा जानने के लिए आप थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर का वीडियो देख लीजिए। गाइस, बेसिकली यह टू वे कैटालिटिक कन्वर्टर 1981 के आसपास हमारी गाड़ियों में यूज़ किया जाता था। उसके बाद इसे ऑलमोस्ट बंद कर दिया गया है, क्योंकि यह नॉक्स को कन्वर्ट नहीं कर सकता है। एंड नाउ डेज गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली इसे कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है। ओनली थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर्स कैन बी यूज इन आर व्हीकल्स। तो अब हम यहाँ पे थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर का यूज़ करते हैं, जिससे नॉक्स भी कन्वर्ट हो जाता है। तो गाइस, इस तरीके से यह कैटालिटिक कन्वर्टर वर्क करता है। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे आज के वीडियो को देखने के लिए। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन हिट करना ना भूलें, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आप हमारे सारे वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। और यहाँ डिस्क्रिप्शन में नीचे जो लिंक है, उसमें जाके थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में जानिएगा जरूर। थैंक यू।